हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईक्यू जंक्शन पर। तो आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए, वो है 2018 में जितनी भी मिसाइलें, नई नई मिसाइलें जो भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना या नौसेना में जितनी भी नई मिसाइलें शामिल हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी कमेंट में अपनी राय दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और नए वीडियो आपके लिए बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना में 2018 में शामिल हुई सभी मिसाइलें। तो पहली मिसाइल है इसमें अस्त्र मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना ने 26 सितंबर 2018 को देश में ही बनी, यानी स्वदेशी मिसाइल है ये, और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सुखोई 30 लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया। और ये कलाईकुंडा स्टेशन से परीक्षण किया गया है इसका, कलाईकुंडा स्टेशन से, जिस जहाँ पर इसने इस मिसाइल ने हवा में ही तैर रहे लक्ष्य का सटीक निशाना साधा। और ये मिसाइल जो है दृष्टि सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है। अब अस्त्र मिसाइल को देश में ही निर्मित और विकसित किया गया, DRDO द्वारा इसको बनाया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और ये मिसाइल जो है अपनी श्रेणी में, यानी हवा से हवा में मार करने वाली श्रेणी में ये मिसाइल जो है श्रेष्ठ है। अभी तक इसके 20 से ज़्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। ये आखिरी परीक्षण था इसका, इसके बाद इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो जो ये मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल कुछ इस तरीके की होती है, इसमें लीड जो होती है वो रेड कलर की होती है। और जैसा कि जो बनाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाती है, उसके बारे में पीछे डिटेल होती है। तो ये DRDO ने बनाई है, तो ये DRDO है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अस्त्र मिसाइल में जो आपको अगर प्रैक्टिकली देखने को मिले, तो अगर रेड कलर की लीड है तो वो अस्त्र मिसाइल है। ठीक, अगली मिसाइल है आकाश मिसाइल। ये काफ़ी चर्चित मिसाइल है और ये भारतीय थल सेना के पास होती है। 5 दिसंबर 2017 को स्वदेश में निर्मित, ये भी स्वदेशी निर्मित है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसे भी DRDO ने बनाया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल ने एक यूएवी बंशी को सफलतापूर्वक निशाने पर लिया। और ये परीक्षण जो है चांदीपुर की एकीकृत टेस्ट रेंज में किया गया है, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली जो मैक्सिमम मिसाइलें होती हैं उनका जो परीक्षण होता है वो चांदीपुर रेंज में ही होता है। तो इसे याद रखिए, ये भारत की पहली जमीन से हवा में मार करने वाली, यानी स्वदेशी मिसाइल है जो स्वदेश में निर्मित हुई है। तो ये पहली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसमें रेडियो तरंगों के आधार पर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए स्वदेशी युक्त प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अब इसे किसी भी मौसम में उपयोग किया जा सकता है और इसके मध्यम रेंज एयर टारगेट को निचले मध्यम और ऊंचाई पर टारगेट किया जा सकता है, यानी ये हर ऊंचाई पर अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है और किसी भी मौसम में इसे चलाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है लगभग 25 किलोमीटर की है, वजन लगभग 25 किलोग्राम तक का ये ले जाने में सक्षम है। और इसकी मारक क्षमता को सटीक करने के लिए इसमें रैम जेट रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑटो पायलट सिस्टम से लैस है। अब ये जो आकाश मिसाइल है, ये लड़ाकू विमानों में क्रूज मिसाइल, हवा से ज़मीन पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। तो ये मिसाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। आकाश मिसाइल मेन तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली या हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल 2018 में परीक्षण किया गया और सेना में शामिल की गई, तो ये याद रखें, ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश मिसाइल, जिसे 2018 में सेना में शामिल किया गया है। अब जो इसका सिस्टम है,
वो इतना पावरफुल है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कई तरफ से आते हुए खतरों को एक साथ आसानी से निशाना बना सकता है, यानी एक साथ कई निशाने ये हवा में मार कर सकती है। तो ये जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो आकाश मिसाइल है उसकी जो लीड है वो हरे कलर की है और आकाश इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये जो है थल सेना के जो ट्रक होते हैं उन पे इनको लगाया गया है, क्योंकि ये जमीन से हवा में मार करने वाली है। ठीक, अगली देखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MPA TGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो इसको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2018 में इसका परीक्षण भी हुआ है और ये 2018 में शामिल भी हुई है। और ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, जब से ये आई है तब से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, या तो इसकी फुल फॉर्म या फिर ये किस तरीके की मिसाइल है और इसका परीक्षण कब किया गया, कौन सी रेंज से किया गया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखें। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ही इसे विकसित करा है और ये स्वदेशी विकसित तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मार्गदर्शित मिसाइल है, गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका जो पहला परीक्षण है, सफल परीक्षण, वो 18 सितंबर 2018 को किया गया है और अभी तक इसका कोई नाम रखा नहीं गया, जैसे आकाश मिसाइल हुई, अस्त्र मिसाइल, बोफोर्स, तो ब्रह्मोस, तो इस तरह का इनका कोई नाम रखा नहीं गया अभी, ये नई नई मिसाइल है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखें आप कि MPA TGM की जो फुल फॉर्म होती है वो मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है और ये मेक इन इंडिया की पहल के लिए, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही इस मिसाइल को बनाया गया है। 2.5 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है इसकी और मनुष्य पोर्टेबिलिटी को बनाए रखने के लगभग 14.5 किलो का वजन होता है इसका। और ये खास इसीलिए है क्योंकि ये कंधे से रख कर चलाई जाती है, कंधे पर रख के भी इसे चलाया जा सकता है क्योंकि 14.5 किलो का वजन है इसका और दिन और रात के दौरान कभी भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपको पिक्चर में दिख रही होगी, तो ये जो है ये MPA TGM मिसाइल है ये, और ये कंधे पर रख कर चलाई जा सकती है। 2.5 किलोमीटर की इसकी स्ट्राइक रेंज है, पीछे से ऐसे आग निकलती है जब इसे यूज़ किया जाता है। तो ये लॉन्चर है, इसके लिए एक स्पेशल अलग से लॉन्चर बनता है। ठीक, अगली वाली मिसाइल है हेलिना, ये हेलिना मिसाइल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम आती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली निम्न में से कौन सी मिसाइल है, तो ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली मिसाइल है और नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका अपग्रेड वर्जन है। इसका जो है पोकरण, जैसलमेर के पोकरण फायरिंग रेंज से 20 अगस्त 2018 को इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था और ये नए वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। नाग श्रेणी की मिसाइलें हैं, जो नाग श्रेणी की नाग मिसाइल बनती है, छोटी और काफ़ी खतरनाक, ये उसी श्रेणी में आती है। इसका नाम हेलिना है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी जाती है। अब इसकी जो खास बातें हैं वो जमीन लक्ष्यों को सटीकता से तबाह करने में ये सक्षम होती है। दुनिया में अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से ये एक है और नाग मिसाइलों का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है। जो मैंने अभी कहा कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली मिसाइल कौन सी है, तो वो हेलिना मिसाइल है। 7 से 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है इस मिसाइल की और HAL ध्रुव और HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। तो जिस तरीके के ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है वो है HAL ध्रुव और HAL लाइट कॉम्बैक्ट। अब जो नाग मिसाइलें होती हैं उसके बारे में याद रखिए कि नाग मिसाइलें भी 4 तरीके की होती हैं। इसमें से नेमिका जंगी जहाज के लिए होती है, जो जंगी जहाज से लॉन्च की जाती है नाग मिसाइल उसका नाम होता है नेमिका, और जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है उसका नाम होता है हेलिना। तो आपको आसानी रहेगी, जंगी जहाज से जो लॉन्च की गई वाली मिसाइल पूछे आपसे कोई नाग मिसाइल का प्रारूप या उसका वर्जन, तो ये होती है नेमिका मिसाइल, और हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल होती है हेलिना।
दो और कैटेगरी होती है, वो एक एयरक्राफ्ट के साथ होती है और एक कंधे से दागी जाने वाली होती है, जो ऊपर MAPTGM वाली आई थी मैन पोर्टेबल, वो भी एक तरीके से नाग मिसाइल का चौथा वर्जन है। ठीक, तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं हेलिना मिसाइल कुछ इस तरीके की होती है, ये नाग मिसाइल की तरह इसका शेप आ रहा है और ये हेलीकॉप्टर से इस तरह लॉन्च की जाती है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब जो 5P और आखिरी मिसाइल जो भारतीय वायुसेना में शामिल की गई है, ये नया अपग्रेडेड वर्जन ब्रह्मोस का, ब्रह्मोस का भी जानी मानी मिसाइल है, लगभग हर किसी को ब्रह्मोस का नाम तो याद रहता ही है। तो इसका 22 मार्च 2018 को सफल परीक्षण किया गया राजस्थान के पोकरण में, और ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप मिसाइल है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसका निशाना अचूक है, इसलिए ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की श्रेणी में आती है। इसके लिए ये कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, ये इसके लिए टैगलाइन होती है कि दागो और भूल जाओ, यानी अपने निशाने पर सटीक निशाना लगाने के लिए ये माहिर है ये मिसाइल। अब दुनिया की कोई भी जो मिसाइल है वो तेज गति से हमले के मामले में इसकी बराबरी नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि जो अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल है, जो अमेरिका की ब्रह्मोस के समकक्ष अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अमेरिका की कौन सी मिसाइल है जो ब्रह्मोस के समकक्ष है, तो वो है टॉम हॉक मिसाइल, इसके बारे में याद रखें। अब जो ब्रह्मोस की खास बातें हैं वो हैं कि ब्रह्मोस जो है कम ऊंचाई में उड़ान भरती है, इसलिए ये रडार के पकड़ में नहीं आती है। इसका नाम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी टाइम आता है, तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी, इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है, और ये इसलिए कि DRDO ने भारत रूस के ज्वाइंट वेंचर के तौर पे इसे डेवलप किया है, यानी भारत और रूस ने एक ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल को लॉ बनाया है। अब जो मिसाइल है ब्रह्मोस वो 3,700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 290 किलोमीटर तक ठिकानों पर अटैक कर सकती है, ये इसकी खास बात है। तो इन मिसाइलों को याद रखें, ब्रह्मोस मिसाइल कुछ इस तरीके की होती है। तो ये तो नौसेना से यानी जंगी जहाज़ों से जो छोड़ी जाती है वो इस तरीके की ब्रह्मोस मिसाइल होती है, जो थल सेना में होती है वो ग्रे कलर की होती है, आपने देखी होगी। और अभी ब्रह्मोस पे काम चल रहा था कि इसका हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमानों से भी इसे काम में लिया जा सके। तो ये कुछ खास मिसाइलें थीं जो 2018 में भारतीय सेना में शामिल की गईं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं और से और वीडियो आपके लिए बना सकूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।